सेना के 18 सदस्यीय बाइक्स अभियान दल की ओर से युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रुड़की से शुरू हुआ सेना का यह अभियान दल विभिन्न स्थानों से होते हुए आज सीमांत जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचा। 18 सदस्यीय अभियान दल में सेना के विभिन्न विभागों के अधिकारी और जवान शामिल रहे। यह दल गोपेश्वर इंटर कॉलेज में युवाओं को सेना की खूबियां और सेना से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दे रहा है। इसके साथ ही अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि हमारा थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीर जवानों की भर्ती की जा रही है, जो सशक्त सेना बलों से सेवा करने का सुनहरा अवसर युवाओं को प्रदान कर रहा है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। हमारी सेना से रुड़की से एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन टीम आई थी, जो हरसिल से उत्तरकाशी होके और फिर हमारे यहाँ पे गोपेश्वर में आए थे। और उन्होंने स्कूली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, यानी कि स्कूली बच्चों को फौज के प्रति उनके दिल में जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ पर मैं अटल उत्कृष्ट ये खजारा गीता स्वामी इंटर कॉलेज गोपेश्वर से हूँ। आज हमारे स्कूल में लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुमार और उनकी टीम MEEG मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन टू द गढ़वाल की टीम आई थी, जिन्होंने हमें अग्निपथ के बारे में बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें बताई थी। ज्वाइन करने के लिए आप लोग पढ़ते भी रहते हैं, आप लोग का पता भी चलता रहता है और अभी सेना में इंट्रोड्यूस भी हैं और फीमेल कैंडिडेट्स वुमेन्स के लिए भी काफ़ी एंट्रीज इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, कर रही हैं इनफैक्ट, कि जिससे आप ज्वाइन कर सके। अभी रिसेंटली वुमेन्स पायलट के लिए भी इंडियन आर्मी में भी अपॉर्चुनिटी ओपन किया गया है। और टीम बाइक राइडर मलारी का कार्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यालयों को बच्चों से मिल रहे हैं और